गुड मॉर्निंग और आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अभी मेरा झाड़ू पोछा हो रहा है, ना आया नहीं है, कुछ नहीं हो सकता मेरा भी क्योंकि मैं सुबह से काम कर रही थी ना, इसीलिए। तो देखो इनका तो खाने का काम है, इनका तो और कुछ काम है नहीं। तो चलो पहले हम साफ सफाई करते हैं, सारे झाड़ू पोछा सब लगाने हैं, अभी बहुत से काम बचे हैं, बहुत सारे। और रात को पूजा करनी है, उसकी कोई तैयारी नहीं कर रखी है, ठीक है। तो मैं अपना मंदिर दिखाती हूँ आपको, हमने मंदिर डेकोरेट किया था, ठीक है। अभी ऐसे ही बिना लाइट के देख लो, थोड़ी देर में आपको, मतलब रात को मैं आपको लाइट के साथ दिखाऊंगी। और हम ये वाले गणेश जी और माता रानी परचेज करके लाए थे मार्केट से, कल छोटी दिवाली के दिन ना हमने वो करा था। अभी हमने दिया भी नहीं जला रखा है यहाँ पे, तो पहले फटाफट झाड़ू पोछा करते हैं, साफ सफाई करते हैं, उसके बाद हम दिया जलाएंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे एक ब्रेक के बाद। और यहाँ पे मैंने लगाई थी मेहंदी, क्योंकि मुझे कल रात तो टाइम मिला नहीं, इसलिए मैंने दिन में लगा लिया। और यहाँ पे हमारी लीप रही थी आंगन गोबर और उससे मिट्टी से, कि बहुत ख़राब हो गया था, तो हमने कहा चलो इसको लीप देंगे। तो मैं यहाँ पे लीप रही थी, अभी तो यहाँ पे स्टार्टिंग, अभी थोड़ा इसको साफ़ करना पड़ेगा पहले। यहाँ पे ईट वीट है, यहाँ पे भी लगाएंगे। और मेरे भाई को देखो, उसको कह रहा कुत्तों को भी तो नहलाना चाहिए ना दिवाली के टाइम पे, तो कुत्तों को नहलाने लग गया था। तो यहाँ पर उसके कान वान सब, मतलब उनके अच्छे से साफ कर रहा था, ताकि मतलब उनको खुजली उजली हो रही थी बहुत। और मैंने कपड़े धोए थे कल, तो मैं उनको उठा लेती हूँ। मतलब सुबह मैंने सारे कपड़े धो के वॉशिंग मशीन में सुखा दिए थे, तो मैं उनको पहले उठाती हूँ फटाफट, क्योंकि ये ज़्यादा सूख जाएंगे तो फिर इनका कलर भी हो जाता है। कपड़े तो पहले दिक्कत हो जाती है, सूखते हैं ना कपड़े, तो ज़रा वॉशिंग मशीन होती है तो उसमें सूख जाएंगे, तो थोड़े से हवा लगने की ज़रूरत होती है। तो मेरा तो सुबह से मतलब यही काम करने में निकल गया सारा दिन, कपड़े धोने में, उठाने में, रोटी वोटी बनाने में। मैं तो फटाफट अंदर अच्छा देखते हैं, क्योंकि अभी मैंने ऊपर छत में भी कपड़े डाले हैं, 3-4 बाल्टी कपड़े धोए थे आज। तो मैं इनको पहले फटाफट अंदर रखती हूँ। मैंने मेहंदी भी ऐसी लगाई थी जल्दी जल्दी में, सूखने का भी मौका नहीं मिल रहा है मेरी मेहंदी को, मेहंदी लगा लगा के काम करना पड़ रहा है। तो चलो मैं पहले छत के कपड़े उठा के लाती हूँ, फिर मिलूँगी आपसे थोड़ी देर में। और एक चाची हमारे ना गाना बना रही थी, जैसे कापा होता है ना। अभी मेहंदी लगाई है, दिखाओ दिखाओ, हाथ दिखाओ, इसको तो फोन में हाथ दिखाओ सीधे, कैसे करो मुझे भी तो खेलते हैं। बच्चों का सही है। और यहाँ पे मैं थोड़ा मंदिर कर लिखने आ गई थी, हमारा मंदिर ना मिट्टी वाला है, तो उसमें थोड़ी दिक्कत होती है करने में, हम चावल से करते हैं। और मैं थोड़ा सब्जी वब्जी बनाने आ गई थी, मैंने कहा रात के लिए ना सब्जी टाइम पे बना लेते हैं, पनीर की सब्जी बना रहे थे, तो इसलिए मैंने कहा टाइम पे बना लेते हैं, फिर रात को वैसे सब वो काम वाम करने में वैसे भी टाइम नहीं लगता। तो वो मैंने कल सब्जी बना दी थी, और इसको भी बनने में टाइम लगता, 5:30 हो गए थे, तो इसलिए सब्जी पहले रखती थी। और ये पनीर की सब्जी, और ये हमारे घर की लाइटिंग, घर कितना सुंदर लगता है ना, अभी तो अंधेरा नहीं हुआ, जब अंधेरा होगा ना तब ज़्यादा अच्छी लगेगी ये लाइटिंग। ये हमारा नया वाला मकान है जो उसकी है। और अभी ये हमने तो उसमें लगाई है ना, तो ये मंदिर के लिए केले के पत्ते और गन्ने के, गन्ना चाहिए होता है ना, मतलब गन्ने का पका, तो हम वो लेके आ गए थे। और ये हमने यहाँ पे लगा दिया, हमारा पूरा मंदिर भी तैयार हो चुका है,
सब हमने टाइम पे लिख लुख के सुबह सूख भी गया था तब हमने ये सब सजा दिया। और बस हमारी यहाँ पूजा होने ही बची है, पहले सारी पूजा की तैयारी कर लेते हैं सारा सब चीज़, और फिर उसके बाद हम यहाँ पे दिया वगैरह जलाने आएंगे। अभी तो वैसे चाचियाँ जलाएंगे, उनका व्रत भी है चाची का, तो चाची जलाएगी दिया। और मैं यहाँ पे बैठी थी, सबका इंतज़ार कर रही थी, कोई आ ही नहीं रहा था जल्दी। मेरे को थी जल्दी पूजा करते ना, फिर उसके बाद हम बम भी फोड़ते। वैसे तो मैं फोड़ती नहीं हूँ, लेकिन मेरे को मतलब देखना था कि कैसे, मतलब एक एक्साइटमेंट होती है ना, तो चलो पहले हम और यहाँ पे सब आ चुके हैं पूजा के लिए। और आमा मिठाई उठाई खोल रही है, हमने दिए भी जला दिए हैं बाहर रखने के लिए। तो चाची अभी पहले दिया जला के टीका एक लगा देगी भगवान जी उनको, तो उसके बाद फिर आमा लगाएगी हम सबको टीका। तो पहले हम इसमें क्या करते हैं, इसमें वो रख देते हैं जो हम नया बर्तन लाए थे ना धनतेरस के दिन, तो उसमें हम सारा सामान रख देते हैं, मतलब खीले खिलौने और मिठाइयाँ ये सब चीज़ें रख के फिर भगवान जी के आगे रखते हैं। या मैं यहाँ पे सबको टीका लगा रही हूँ, अपना पहले लगाते हैं मोमबत्ती और तो और है मोमबत्ती हमने बाहर ये दिए। और आगे हमारा मंदिर है वो है मेरी मेहंदी, देखो मेरी मेहंदी भी अच्छी लग गई, मैंने आधे घंटे के अंदर ही धो ली थी उसको, ज़्यादा रोकी नहीं। तो चलो अभी हम पहले फटाफट अंदर जाके पूजा कर लेते हैं, फिर पूजा करने के बाद मिठाइयाँ दिखानी है और फिर बम भी फोड़ने हैं। तो चलो हम मिलते हैं आपसे पूजा के टाइम पे। तो यहाँ पे सब आ गए थे पूजा के लिए और हम अभी पूजा स्टार्ट करते हैं, पूजा करके फिर उसके बाद हम बम फोड़ेंगे। तो अभी सब पहले आरती करते हैं, माता रानी और गणेश जी उनकी आरती होती है, सबसे पहले गणेश जी की आरती होती है। और यहाँ पे भाई लोग पटाखे फोड़ने में लग गए थे, बंद ही नहीं हुए बिल्कुल। ये हमने यहाँ पे रॉकेट चलाया था तो तब जाके, नहीं सॉरी ये 12 फायर वाला, तो जो 12 फायर में चलता है वो वाला था। वो भैंस की ये कहाँ को जा रहा है? ओ भैया मम्मी इसे डर नहीं लग रही वंशु को? चलो गाइस इतना पास मत जा, मैं पास जा ही तो नहीं रही हूँ। नीचे से ऊपर को बनाना। और ये यही नहीं बता रहे कि ये नीचे फूटने वाला है ऊपर फूटने वाला है? हाँ भाई थोड़ा दूर दूर चलाओ यार, इधर लाइट वाइट में आएगा। भाई मैं कहाँ कहाँ देखूं? उनसे चल ही नहीं रहा हो। उनके उनका डर लग रही। वो भाग नहीं पाएगा, तू फिर भागो। आगे पीछे हो। ये तो अनार है। ये
अच्छा हमको सिखा रिया है वो देखो अनार है वाला ही तो है लाइट वाह ये तो शुरू होता ही खत्म हो गया तो पहले भी तो अभी पीछे